लास्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.3 में 10 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11, इंटीग्रेशन ऑफ cos द पावर 4 2x। स्टूडेंट हमने देखा था कि ये जो एक्सरसाइज है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पे बेस्ड एक्सरसाइज है, तो इसमें हम प्रॉपर आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे। ओके, तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इसको अरेंज करते हैं, cos स्क्वायर 2x की होल स्क्वायर इनटू dx। ओके, क्योंकि इसकी होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो आपको cos द पावर 4 2x ही मिलेगा। अब cos स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी होती है। ओके, तो वी नो दैट cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2 थीटा बाय 2। ओके, तो दैट मींस cos स्क्वायर 2x को हम 1 प्लस cos 2 टू जब 4x बाय 2 राइट कर सकते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस cos 4x ओके बाय 2 का होल स्क्वायर इनटू dx। अब हम इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो 2 का होल स्क्वायर तो 1 बाय 4 बन जाएगा। अब ये a प्लस b से 1 का स्क्वायर 1 cos स्क्वायर 4x प्लस 2 cos 4x इनटू dx। अगेन cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बन रहा है तो अगेन यही फॉर्मूला अप्लाई कर दो, 1 बाई 4 इंटीग्रेशन ओ 1 प्लस cos 2 थीटा, थीटा की प्लेस में 4x है तो 4 टू जा 8 बाई 2 प्लस 2 cos 4x ओके इंटू dx। अब इसको आराम से इंटीग्रेट कर लेंगे। 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा स्टूडेंट, x होगा, तो 1 बाई 4 x प्लस, देखो 1 बाई 2 का इंटीग्रेशन x बाई 2 प्लस, ये 2 इसके डाउन में है तो 1 बाई 2 cos 8x का क्या बनेगा, sin 8x बाई 8 प्लस 2 cos 4x का sin 4x बाई 4 और प्लस में c, 2 टाइम कैंसिल हो गए, x प्लस x बाई 2 3x बाई 2 1 बाई 4 3x बाई 2 प्लस sin 8x बाई 16 और प्लस sin 4x बाई 2 और प्लस में c, ये इसका आंसर हो। ओके स्टूडेंट, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट। यस स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12, इंटीग्रेशन ऑफ sin स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस cos x। तो यहां sin स्क्वायर x की आइडेंटिटी लगाएंगे। ओके, तो sin स्क्वायर x की आइडेंटिटी होगी 1 माइनस cos स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस cos x इनटू dx। अब देखो स्टूडेंट, अगर मैं यहां 1 के स्क्वायर कर देता हूं तो अब भी 1 ही रहेगा, बट ये आपकी आइडेंटिटी बन गई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ओके, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की कुल में क्या होता है, a प्लस b a माइनस b, दैट मींस 1 प्लस cos x इनटू 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x इनटू dx, प्लस से ये कैंसिल हो गया, अपने पास क्या बच गया, 1 माइनस cos x इनटू dx। अब 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x के रिस्पेक्ट में, x, और cos का क्या बनेगा, sin x प्लस c। ओके, ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा। तो हम यहां cos 2x और cos 2 अल्फा का आइडेंटिटी लगाएंगे। ओके, कौन सी, 2 cos, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में क्या है, cos x है, तो cos का ही यहां आइडेंटिटी लगाएंगे। तो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा
माइनस था यार, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, और अपोन में कोस एक्स माइनस कोस अल्फा इंटू डी एक्स। स्टूडेंट यहां प्लस माइनस तो आपका वन कैंसिल हो गया, टू यहां कॉमन लिया जाएगा, टू कॉमन ले लेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, कोस स्क्वेयर एक्स माइनस कोस स्क्वेयर अल्फा अपॉन कोस एक्स माइनस कोस अल्फा इंटू डी एक्स। अगेन देखो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर की आइडेंटिटी बन रही है, तो दैट मीन्स ए प्लस बी कोस एक्स माइनस कोस अल्फा ए माइनस बी और ए प्लस बी, ओके, और अपॉन में कोस एक्स माइनस कोस अल्फा इंटू डी एक्स। अब माइनस से तो ये वाला पोर्शन आपका कैंसिल हो गया, अपने पास क्या बच गया, 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ कोस एक्स प्लस कोस अल्फा इंटू डी एक्स। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, कोस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स होगा, कोस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा साइन एक्स होगा, प्लस कोस अल्फा क्या है कॉन्स्टेंट, इसको साइड में किया, अब बच गया अपने पास डी एक्स, तो डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स, तो एक्स इंटू कोस अल्फा और प्लस सी, ये इसका आंसर हो गया, ओके। तो ये आपकी क्वेश्चन नंबर 12 और 13 कंप्लीट। यस स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14, इंटीग्रेशन ऑफ कोस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन वन प्लस साइन टू एक्स। स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम वन को राइट करेंगे कोस स्क्वेयर एक्स प्लस साइन स्क्वेयर एक्स, और साइन टू एक्स की आइडेंटिटी लगाएंगे, ओके। तो इंटीग्रेशन ऑफ कोस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वेयर एक्स प्लस साइन स्क्वेयर एक्स प्लस टू साइन एक्स कोस एक्स, ओके, इंटू डी एक्स। ऐसा क्यों किया, क्योंकि देखो स्टूडेंट ये नीचे ए प्लस बी का होल स्क्वेयर बन गया, तो इंटीग्रेशन ऑफ कोस एक्स माइनस साइन एक्स और अपॉन में कोस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर बन गया इंटू डी एक्स, क्लियर। अब इसको हम टी लेट कर लेंगे और ऊपर वाला डी टी में चेंज हो जाएगा, तो पुट कोस एक्स प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू टी, और इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा, माइनस का साइन एक्स प्लस कोस एक्स, और इसका बनेगा डी टी बाई डी एक्स, तो डी एक्स इधर शिफ्ट कर देंगे और डी टी, यानी कि कोस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स किस में कन्वर्ट हो गया डी टी में, तो अपना क्वेश्चन बन जाएगा डी टी अपॉन टी स्क्वेयर। अब टी स्क्वेयर को ऊपर लेके आएंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ टी की पावर माइनस टू इंटू डी टी। अब एक्स दी पावर एन से इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या बनेगा, एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन और प्लस सी, ऊपर क्या बच गया टी की पावर माइनस वन और नीचे माइनस वन प्लस सी। अब देखो स्टूडेंट टी की पावर माइनस वन है, इसको डाउन में लेके आएंगे तो प्लस की हो जाएगी, बट ये माइनस है तो माइनस वन अपॉन टी, ओके, वन अपॉन टी, और टी की वैल्यू रख देंगे, टी की वैल्यू क्या है कोस एक्स प्लस साइन एक्स, तो देयरफॉर अपने पास आंसर क्या होगा, वन अपॉन कोस एक्स प्लस साइन एक्स और प्लस सी, ये इसका आंसर हो गया। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, इसको मैं रख करता हूं। 15 है आपका इंटीग्रेशन ऑफ टेन क्यूब टू एक्स से टू एक्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम टेन क्यूब को इस प्रकार से अरेंज करेंगे, टेन स्क्वेयर टू एक्स इंटू टेन टू एक्स इंटू से टू एक्स डी एक्स, ओके स्टूडेंट। अब भी तो क्यूब ही है, अब देखो अगर मैं सेक स्क्वायर को आइडेंटिटी में चेंज कर दू, सॉरी टेन स्क्वायर को सेक की आइडेंटिटी में चेंज कर दू, सेक स्क्वायर टू एक्स माइनस वन, ओके, ये तो ये हो गया, इंटू में टेन टू एक्स इंटू सेक टू एक्स डी एक्स। अब देखो स्टूडेंट अगर आप इसको टी लेट कर लेते हैं
तो ये dt में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके कैसे, पुट से 2x इज इक्वल टू t, क्लियर, sec 2x इज इक्वल टू t, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, sec x दैट इज 2x tan 2x और 2x का क्या बनेगा 2, और dx इज इक्वल टू d, 2 को इधर शिफ्ट कर देंगे और ये पोर्शन आपका dt by 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो sec 2x tan 2x dx इज इक्वल टू dt by 2। ओके अब इसको सॉल्व करते हैं, t स्क्वायर माइनस 1 इनटू dt by 2, अब x दी पावर n से इसको इंटीग्रेट कर देंगे। ओके तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा स्टूडेंट, इसको मैं रख करता हूं, t स्क्वायर का इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में t क्यूब होगा by 3, माइनस 1 का t के रिस्पेक्ट में t बनेगा और प्लस में c। अब t की वैल्यू पुट कर देंगे और आंसर आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दूं ये आपका बनेगा sec 2x की पावर 3 अपॉन 6 माइनस sec 2x अपॉन 2 और प्लस c, ये इसका आंसर हो गया। ओके स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16, इंटीग्रेशन ऑफ 10 की पावर 4x। ओके तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इसको अरेंज करते हैं, 10 स्क्वायर x इनटू 10 स्क्वायर x dx, मल्टीप्लाई करेंगे आपको 10 की पावर 4x मिलेगी। अब एक 10 स्क्वायर x को मैं आइडेंटिटी से ओपन करता हूं, 10 स्क्वायर x को हम राइट कर सकते हैं sec स्क्वायर x माइनस 1 इनटू 10 स्क्वायर x dx, अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ओके तो ये बन जाएगा sec स्क्वायर x इनटू 10 स्क्वायर x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 10 स्क्वायर x dx। अब देखिए स्टूडेंट इसका तो इंटीग्रेशन हो सकता है बट इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होगा, इसको हम वापस आइडेंटिटी से ओपन करते हैं, तो ये बनेगा आपका पहले 10 स्क्वायर को लिखना चाहो लिख सकते हैं, 10 स्क्वायर x sec स्क्वायर x dx माइनस इसकी आइडेंटिटी sec स्क्वायर x माइनस 1 इनटू dx, और इसका इंटीग्रेशन आपको आता है तो मैं इसका डायरेक्ट इंटीग्रेट कर देता हूं, 10 x का होल क्यूब बाय 3। ओके इसको t लेट करेंगे तो ये dt में आ जाएगा, t स्क्वायर x की पावर n से ये इसका आंसर हो गया, माइनस sec स्क्वायर x का 10 x और माइनस 1 का माइनस x, माइनस इनटू माइनस क्या बन जाएगा प्लस x और प्लस c, ये इसका आंसर होगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन 17 देखते हैं स्टूडेंट, इंटीग्रेशन ऑफ sec क्यूब x प्लस cos क्यूब x अपॉन sin स्क्वायर x इनटू cos स्क्वायर x, इसको हम सेपरेट करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ sin cube x upon sin square x cos square x, okay, plus cos cube x upon sin square x cos square x into dx। अब देखिए स्टूडेंट ये इससे कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बच गया sin x, नीचे क्या रह गया cos स्क्वायर x, जिसको मैं ऐसे राइट करूंगा cos x into cos x, ओके प्लस इस स्क्वायर से कैंसिल, ऊपर रह गया cos x और नीचे क्या रह गया sin x into sin x, दैट इज sin स्क्वायर x, एक ही बात है। अब ऐसा क्यों राइट किया, ताकि क्वेश्चन आपको इजी दिख जाए, sin upon cos क्या हो जाएगा इसमें 10 x, ओके और 1 upon से 1 अपॉन cos आपका sec हो जाएगा, cos अपॉन sin cot x और 1 अपॉन sin cosec x इनटू dx। अब देखो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में मिल गया sec x tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है sec x, और cosec x और cot x का माइनस cosec x + c, ये इसका आंसर हो गया। ओके
इसके साथ आपका क्वेश्चन नंबर 16 और 17 कंप्लीट। अगला क्वेश्चन देखते हैं 18। इंटीग्रेशन ऑफ कोस 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर x अपॉन कोस स्क्वायर x। ओके, तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम कोस 2x की आइडेंटिटी लगाएंगे, कौन सी, साइन 1। तो कोस 2x के कुल में होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x प्लस 2 साइन स्क्वायर x अपॉन कोस स्क्वायर x इंटू dx। बिल्कुल सिंपल हो गया, ये आपका कैंसिल हो गया प्लस और माइनस। अपने पास क्या बच गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन कोस स्क्वायर x इंटू dx। 1 अपॉन कोस स्क्वायर sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x dx, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन 10x और प्लस c, ये इसका आंसर हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 19 देखते हैं। टेक्निकल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। स्टूडेंट मेथड तो इसके दो हैं, दो या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, बट आपको करना कैसे है वो मैं आपको बता देता हूं, बिल्कुल इजी। हम क्या करेंगे, जो इसके डिनोमिनेटर है उसमें हम कोस x से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। ओके, या फिर आप एक काम कर सकते हैं कि इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोस की पावर 4x का भी डिवाइड कर सकते हैं। क्लियर, तो हमने यहां किया कोस x से मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये मेरे को ज्यादा इजी लगा इसलिए मैंने कोस x से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। साइन अपॉन कोस स्क्वायर आपका 10x बने और कोस इंटू कोस, कोस की पावर 4x। अब ये ऊपर जाएगी तो आपकी क्या बन जाएगी, सेक की पावर 4x अपॉन 10x इंटू dx। सेक की पावर 4 को हम ऐसे अरेंज करेंगे, सेक स्क्वायर x इंटू सेक स्क्वायर x dx अपॉन 10x। क्लियर, पीछे वाले को रफ करता हूं। स्टूडेंट एक सेक स्क्वायर x को हम आइडेंटिटी में चेंज करते हैं 10 की फॉर्म में। ओके, ये बन जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर x, ओके इंटीग्रेशन, और ये बनेगा आपका sec स्क्वायर x अपॉन 10x इंटू dx। अब देखो 10x को t लेट कर लेंगे तो ये dt में आ जाएगा, तो पुट 10x इज इक्वल टू t, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। अपना क्वेश्चन क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी बाई टी। अब इसको हम सेपरेट करेंगे तो ये तो बन जाएगा 1 बाई टी डी टी प्लस टी से टी कैंसिल हो गया, टी बच गया और डी टी, डी टी बाई टी का इंटीग्रेशन लॉग टी। ओके, और प्लस इसका क्या बनेगा, टी स्क्वायर बाई टू और प्लस सी। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, टी की वैल्यू रखेंगे, तो टी की वैल्यू रखेंगे तो अपना आंसर क्या होगा, लॉग टी की वैल्यू क्या थी, 10x प्लस 10x का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस सी आंसर। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 18 और 19 कंप्लीट। अगला क्वेश्चन देखते हैं 20। इंटीग्रेशन ऑफ कोस 2x अपॉन कोस x प्लस साइन x का होल स्क्वायर। तो देखो स्टूडेंट इसमें कोस x प्लस साइन x आ रहा है, तो हम कोस 2x की जो आइडेंटिटी है वो इस फॉर्म में अप्लाई करेंगे। तो हमने 11th क्लास में कोस 2x की आइडेंटिटी स्टडी की थी कि कोस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x के इक्वल में कोस 2x होता है। ओके, और cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर, अब तो बिल्कुल इजी हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो cos x प्लस साइन x इंटू cos x माइनस साइन x अपॉन cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर dx, होल स्क्वायर से ये आपका कैंसिल हो गया। अपने पास क्या आ गया, cos x माइनस sin x
अपॉन कोस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स। किस फॉर्म में स्टूडेंट? ये इस फॉर्म में है, एफ डेस ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में। ओके, जिसका डायरेक्ट आंसर क्या होगा? लॉग ऑफ एफ एक्स। एफ एक्स क्या है? कोस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी, इसका आंसर होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 21। इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स कोस एक्स। देखो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हमने इसका फॉर्मूला देखा था कि वी नो दैट साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स के इक्वल में पाई बाई टू होता है, और साइन इनवर्स एक्स की यहां से वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो पाई बाई टू माइनस कोस इनवर्स एक्स होगा। क्लियर? तो यहां ये साइन इनवर्स एक्स ही मान के चलेंगे, यानी कि कोस एक्स को एक्स मान के चलते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन क्या बनेगा? इंटीग्रेशन ऑफ पाई बाई टू, ओके, पाई बाई टू माइनस कोस इनवर्स एक्स के रिप्लेस पे क्या है? कोस एक्स, ओके, और इनटू में डीएक्स। अब ये भी आपकी आइडेंटिटी होती है, इसके इक्वल में क्या होगा? एक्स होगा। तो पाई बाई टू माइनस एक्स इंटू डीएक्स। ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट? वी नो दैट कोस इनवर्स कोस थीटा इज इक्वल टू थीटा। थीटा की कंडीशन आपको पता है। अब इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन होगा पाई बाई टू का एक्स के रिस्पेक्ट में, पाई बाई टू इंटू एक्स माइनस एक्स डीएक्स का एक्स स्क्वायर बाई टू और प्लस सी आंसर। ओके, तो इसके साथ क्वेश्चन नंबर 20 और 21 कंप्लीट। ओके असिस्टेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 22। इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन कोस एक्स माइनस ए कोस एक्स माइनस बी। तो देखो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन की तीन चार टाइप हो सकती हैं। आपको एग्जाम में ऐसे भी बोल सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस बी, अगर ये और ये फॉर्म दिखे तो आप साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें। ओके, और जब क्वेश्चन में आपको इस टाइप से मिले कि साइन एक्स माइनस बी सॉरी ए और कोस एक्स माइनस बी, उस केस में आप क्या करेंगे? कोस ए माइनस बी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। ओके, हो सकता है आपको ऐसे भी मिल जाए वन अपॉन कोस एक्स माइनस ए और साइन एक्स माइनस बी, उस दोनों केस में आप क्या करेंगे? आप कोस ए माइनस बी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, और अगर आपको कोस कोस और साइन साइन दिखे तो साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर? तो अब चलते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट? इसको साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। ओके, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई किया, ओके, और इस साइड हमने डिवाइड किया ए माइनस बी। बाकी इस चीज कॉपी कर दो क्वेश्चन को, कोस एक्स माइनस ए कोस एक्स माइनस बी। अब देखो अगली स्टेप क्या होगी, इसमें एक्स आया डिनोमिनेटर में, तो ऊपर हम क्या करेंगे? एक्स ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो वन अपॉन साइन ए माइनस बी साइन ए माइनस बी एक्स ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया, ओके, इनटू डीएक्स अपॉन कोस एक्स माइनस ए कोस एक्स माइनस बी। अब इस तरीके से इसको अरेंज करेंगे, x माइनस ए और x माइनस बी की फॉर्म में इसको अरेंज करेंगे, तो नेक्स्ट लाइन होगी आपकी वन अपॉन साइन ए माइनस बी, ओके, इंटीग्रेशन ओ साइन, पहले पॉजिटिव x लेता हूं और b, क्लियर, माइनस x माइनस ए। ऐसा क्यों किया? देखो x तो पॉजिटिव हो गया,
ये आपका नेगेटिव और ए पॉजिटिव था तो प्लस माइनस इंटू माइनस आपका प्लस हो गया इंटू डी एक्स अपॉन कोस एक्स माइनस ए कोस एक्स माइनस बी। ओके स्टूडेंट, अब क्या करना है, सिंपल हो गया, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला दिया आपको अप्लाई करना है, तो वन अपॉन साइन ए माइनस बी। ओके स्टूडेंट, साइन ए दैट इज साइन एक्स माइनस बी, कोस बी तो कोस एक्स माइनस ए, सेपरेट भी कर लेता हूं, कोस एक्स माइनस ए कोस एक्स माइनस बी। ओके स्टूडेंट, माइनस है तो माइनस आएगा, फिर कोस ए दैट इज कोस एक्स माइनस बी साइन एक्स माइनस ए, और ये इसके डाउन में राइट कर देते हैं, क्लियर, तो कोस एक्स माइनस ए कोस एक्स माइनस बी और इंटू डी एक्स, क्लियर। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, कोस एक्स माइनस ए से कोस एक्स माइनस ए कैंसिल और साइन कोस एक्स माइनस बी से कोस एक्स माइनस बी कैंसिल, ऊपर बच गया साइन अपॉन कोस दैट इज वन अपॉन साइन ए माइनस बी, इंटीग्रेशन ऑफ साइन अपॉन कोस क्या होता है स्टूडेंट टेन, तो टेन एक्स माइनस बी। ओके, और बाद में माइनस माइनस साइन अपॉन कोस टेन, तो टेन एक्स माइनस ए इंटू डी। अब आराम से इसको इंटीग्रेट कर देंगे, टेन का इंटीग्रेशन क्या होता है सेक में ला सकते हैं या फिर कोस में, कोस का लगाना चाहो तो कोस का या फिर सेक का लगा दो, इसको हम वन अपॉन साइन को कोसेक लिख सकते हैं, तो कोसेक ए माइनस बी, इसका सेक का फॉर्मूला लगाते हैं लोग सेक एक्स माइनस बी माइनस लोग सेक एक्स माइनस ए और प्लस सी। ओके, अगेन लोग की प्रॉपर्टी लोग एम माइनस लोग एन, तो दैट इज कोसेक ए माइनस बी लोग सेक एक्स माइनस बी अपॉन सेक एक्स माइनस ए। ओके, और प्लस सी, ये इसका आंसर हो गया। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23, चूज द करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर चूज करना है, तो 23 में है आपका इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स। ओके, इसको हम सेपरेट करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, ओके, कोस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कैंसिल, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल, वन अपॉन कोस स्क्वायर आपका क्या बनेगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स और कोसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कोट एक्स दैट इज प्लस कोट एक्स प्लस सी, तो ये कौन सा ऑप्शन हो गया इसका, इसका ऑप्शन हो गया ए, तो ऑप्शन ए इसमें क्या होगा करेक्ट होगा। नेक्स्ट 24, अच्छा क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। ओके स्टूडेंट, तो देखो अगर आपकी डेरिवेटिव पे अच्छी कमांड है तो इसको आप देख के बता सकते हैं कि इसका डेरिवेटिव ये है, तो इसका मतलब इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो पुट एक्स ए दी पावर एक्स इजिकल टू टी यू इंटू वी मेथड से, ओके, डी अपॉन डी एक्स यू इंटू वी मेथड का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, यू कॉन्स्टेंट वी का डेरिवेटिव, वी कॉन्स्टेंट यू का डेरिवेटिव, तो दैट मीन्स इसका डेरिवेटिव क्या होगा, एक्स कॉन्स्टेंट ई की पावर एक्स का ए की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स कॉन्स्टेंट एक्स का वन, और डी टी का डी टी बाई डी एक्स, डी एक्स इधर ट्रांसफर कर दिया, ई की पावर एक्स कॉमन लेंगे तो आपको ऊपर वाला मिल जाएगा, यानी कि ऊपर वाला किस में चेंज हो गया डी टी में, डी टी अपॉन
कोस स्क्वायर टी, ओके। और कोस स्क्वायर टी का मतलब क्या हो गया, सेक स्क्वायर टी डी टी। अब स्टूडेंट सेक स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेन टी और प्लस सी, टी की वैल्यू पुट कर देंगे, टी क्या है एक्स ई दी पावर एक्स, तो टेन ओ एक्स ई दी पावर एक्स प्लस सी, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें, बी ऑप्शन, ओके, तो बी ऑप्शन इसका सही है, क्लियर। इसके साथ आपकी एक्सरसाइज 7.3 कंप्लीट।